रहीम, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, इमेच्योर बी लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इनकी इम्यूनोग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट होती है तो ये नेट बी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि IgM और IgD को अपनी सर्फेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जो बी सेल एक्टिवेशन होती है वो दो तरीके से होती है। सबसे पहले जो एंटीजन होता है वो बाइंड कर जाता है आपके सर्फेस के ऊपर IgM और IgD के साथ, जिसकी वजह से आपके जो मेच्योरेशन होती है IgM एंड IgD सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स की। बी सेल्स एंटीजन जो प्रेजेंटेशन टू CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स वी आर द MHC क्लास 2। अब क्या होगा कि जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स होते हैं वहाँ पे MHC क्लास 2 के थ्रू जो है उसके ऊपर बी सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है। जो CD40 रिसेप्टर होते हैं बी सेल्स के ऊपर वो बाइंड कर जाते हैं CD40L जो कि आपका हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है और इसकी वजह से सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल आता है और जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं फिर सिक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन 4 को और इंटरल्यूकिन 5 को। हमने पहले भी पढ़ा कि जो इंटरल्यूकिन 4 था वो आपके फैसिलिटेट कर रहा था बी क्लास स्विचिंग टू IgE और जो इंटरल्यूकिन 5 था वो इओसिनोफिलिक क्यूमेटैक्सिस और एक्टिवेशन भी कराता है और साथ क्लास स्विचिंग कराता है IgA के अंदर। अब जो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 होते हैं वो क्या करते हैं, बी सेल्स आइसोटाइप की स्विचिंग कराते हैं, हाइपर म्यूटेशन कराते हैं और मेच्योरेशन कराते हैं टू द प्लाज्मा सेल्स। अब दो तरह से एक्टिवेशन हो रही है बी सेल्स की, एक तो या तो उसकी सर्फेस के ऊपर IgM और IgD के साथ बाइंड कर रहे हैं एंटीजेंस, या फिर जो आपकी बी सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है वो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होती है क्लास MHC2 के थ्रू और फिर अल्टीमेटली जो है वो बी सेल्स की जो है वो आइसोटाइप स्विचिंग होती है और बी सेल्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ये सब टाइप ही है आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। इसके अंदर ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें आपके एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स की कलेक्शन होती है। एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स आपके बेसिकली मैक्रोफेजेस ही होते हैं जिनका अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म होता है। यूजुअली इनको जॉइंट सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है और एक रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स ने भी सराउंड किया हुआ होता है। ग्रैनुलोमा के अंदर आपके एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स होंगे। एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स आपके बेसिकली मैक्रोफेजेस ही होते हैं जिनका पिंक साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। इनको जॉइंट सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है और साथ रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स ने भी। अब दो तरह की ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है, एक नॉन कैशिएटिंग होती है, एक कैशिएटिंग होती है। नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास के अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती है और कॉमन एटियोलॉजीज के अंदर आपके आते हैं या तो कोई फॉरेन मटेरियल होगा साइकोइडोसिस में, बेरिलियम एक्सपोजर में, क्रॉन्स डिजीज में, कैट स्क्रैच डिजीज में। जो कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं इनके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस होती है और ये ज़्यादातर TB के अंदर या फिर फंगल इन्फेक्शन में होते हैं। अब ग्रैनुलोमा किस तरह से बनता है इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेजेस प्रोसेस एंड प्रेजेंट करता है एंटीजन को वी आर द MHC क्लास 2 टू CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू MHC क्लास 2 टू हेल्पर CD4 हेल्पर टी सेल्स को और इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 12 को। अब इंटरल्यूकिन 12 इंड्यूस करता है CD4 हेल्पर टी सेल्स को टू डिफरेंशिएट इनटू टाइप 1 सब टाइप। ठीक है, इंटरल्यूकिन 12 से क्या करेंगे, जो TH1 CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो अपनी सब टाइप TH1 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जो TH1 होते हैं वो इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो कन्वर्ट कर देता है आपके मैक्रोफेजेस को एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स के अंदर और जॉइंट सेल्स में।